हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने जब फाइनल बीएससी फाइनल की क्लास ली थी तो हमने इकोलॉजी जो चैप्टर है हमारा, इकोलॉजी यूनिट है, उसके बारे में स्टडी करनी स्टार्ट की थी। देखो, इकोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा था कि इकोलॉजी होती क्या है, इकोलॉजी के टाइप क्या होते हैं, इकोलॉजी के बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपनी डेफिनेशंस दी थी उन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इकोलॉजी को जो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमने डिवाइडेशन पढ़ लिया था लेकिन फिर भी इसको एक बार रिपीट करने के लिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ इको सिस्टम। देखो, अब जो हमारा इको सिस्टम है यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कितने आधारों पे और कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, इसको सबसे पहले तीन आधारों पे डिवाइड किया गया है। अब ये तीन आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि जो वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के संबंध में जो पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद है वर्गीकरण के बाद हमारा जो नेक्स्ट आधार है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है, वो है आवास के आधार पर। नेक्स्ट है संगठन स्तर के आधार पर, यानी कि जो उनका संगठन हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है उसके आधार पर। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इन पार्ट्स को भी आगे अनेक पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से देखते हैं। देखो, संगठन क्या होता है? संगठन मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि जो उनकी उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, उसे बोलते हैं संगठन स्तर। अब सबसे पहला है हमारे पास वर्गीकरण के संबंध में। देखो, वर्गीकरण के संबंध में जो इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पादप पारिस्थितिकी, और नेक्स्ट है जंतु पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी कि प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। जो हमारा चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है प्लांट इकोलॉजी पे, क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ते हैं। इनके बाद आवास के आधार पर लिखा है, आवासीय स्थल पारिस्थितिकी, यानी कि जो उनका आवास स्थल है वो कौन सा है, जलीय है, स्थलीय है या फिर अन्य कोई है, उसके आधार पर इनको इसमें रखा गया। और संगठन स्तर के आधार पर देखो, इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो चार पार्ट्स कौन से देखते हैं। सबसे पहला है संगठन स्तर के आधार पर इनको जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है दो पार्ट्स में, और उसको आगे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संगठन के आधार पर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सह पारिस्थितिकी, और उसके बाद है स्व पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी और स्वयं पारिस्थितिकी में क्या डिफरेंस है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, देखो उसके अंदर क्या था कि जो स्वयं पारिस्थितिकी और स्वयं पारिस्थितिकी है ये दो प्रकार की होती है। इनके अंदर किसके बारे में हम स्टडी करते हैं? इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं इकोसिस्टम के जो जीव या जंतु या पादप है उनके बारे में। ठीक है, अब सह परिस्थिति को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से पार्ट्स है वो? समष्टि पारिस्थितिकी, व्यष्टि पारिस्थितिकी, जंतु या फिर बायोम यानी कि जीव क्षेत्र पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। अब समष्टि में क्या था? समष्टि में था एक ही जाति के जंतुओं का जो उनके एनवायरमेंट से या पारिस्थितिकी तंत्र से जो संबंध होता है उसके बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाता था? समष्टि पारिस्थितिकी। और उसके बाद था समुदाय पारिस्थितिकी, यानी कि एक से अधिक जाति के जंतुओं का या एक से अधिक जाति के पादपों का आपस में जो रिलेशन है और उनके एनवायरमेंट से रिलेशन है
उसके बारे में अध्ययन करना वो कहलाता था समुदाय पारिस्थितिकी। तो इसके बाद हमारी स्वयं पारिस्थिति की टॉपिक है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है समष्टि पारिस्थितिकी, सेकंड है समुदाय पारिस्थितिकी, नेक्स्ट है बायोम पारिस्थितिकी। अब ये बायोम के स्थान पे हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक और वर्ड यूज किया था, वो था जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी। क्या था? जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी, इसी को ही बोलते हैं जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्वयं पारिस्थितिकी का जो पार्ट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। ये चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, ठीक है, ये हमारा विभाजन कंप्लीट हो गया किसका? इकोसिस्टम का। यानी कि इकोसिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? मेनली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वर्गीकरण के संबंध में, आवास के आधार पर और संगठन स्तर के आधार पर। ठीक है, अब संगठन स्तर के आधार पर इसको जो आगे डिवाइडेशन किया गया वो दो पार्ट्स में, स्वयं पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी को आगे फोर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, समष्टि पारिस्थितिकी यानी कि एक ही जाति के जंतुओं के मध्य अध्ययन, समुदाय पारिस्थितिकी एक से अधिक जाति के जंतुओं के मध्य और उनका एनवायरमेंट से संबंध, बायोम पारिस्थितिकी एक जो पर्टिकुलर निश्चित एक क्षेत्र है जो वहां के एनवायरमेंट है, वहां के जो पादप या जीव जंतु है उनका आपस में अध्ययन, जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, सबको मिलाकर जो एक तंत्र बनता है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, उनका सारों का आपस में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहलाता है। और जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के संबंध में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पादप पारिस्थितिकी जंतु पारिस्थितिकी। पादप पारिस्थितिकी यानी कि प्लांट इकोसिस्टम के अंदर हम सारे प्लांट्स और उनके आपस में जो एनवायरमेंट से रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जंतुओं के बारे में एनिमल से रिलेटेड जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा डिवाइडेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, यानी कि हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण जिसमें जैविक अजैविक को भौतिक भी बोलते हैं, यानी कि जैविक या अजैविक या भौतिक कारक सम्मिलित होते हैं। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब इस पर्यावरण के अंदर देखो, पर्यावरण के अंदर हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण जो हमें सुरक्षित करता है, जिसमें क्या होते हैं? जैविक और अजैविक घटक समाहित होते हैं या सम्मिलित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। अभी जैविक और अजैविक कारक या जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं देखो, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कारक वर्ड क्या है? कारक या कंपोनेंट्स या कारक का मतलब होता है जो किसी चीज को मिलकर किसी नई चीज का निर्माण करते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी बाह्य बल परिस्थिति या पदार्थ, कोई भी
बाह्य बल परिस्थिति या पदार्थ जो किसी जीव को घेरे हुए हो। क्या करे प्रभावित करे और उसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करे कारक कहलाता है या कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये कारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं जिनका दोनों का नाम हमने जो हमारा पर्यावरण है उसके डेफिनेशन में लिखा था, जैविक कारक और अजैविक कारक। ठीक है, अब ये अजैविक और जैविक कारक क्या होते हैं देखते हैं इनके बारे में। देखो, जैविक कारक वो कारक होते हैं जिनके अंदर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, वे जैविक कारक वे कारक होते हैं जिनके अंदर सारे जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु पादप पाए जाते हैं, जो सजीव होते हैं वो पाए जाते हैं। और भौतिक कारक होते हैं जो उनके अंदर क्या होते हैं, भौतिक कारकों के अंदर क्या है, जो भौतिक चीजें होती हैं जैसे मृदा, जल, वायु, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड किया गया है जैविक और अजैविक घटकों में। अब इनमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है वो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला है जैविक कारक, ये सब वो कारक है जिनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। और जो पर्यावरण होता है वो सारे जीवों को किसी ना किसी रूप में आपस में जोड़ के रखता है और एक दूसरे को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैविक कारक या भौतिक कारक कौन से जैविक होते हैं और कौन से अजैविक होते हैं देखते हैं। इनको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स की बात इधर होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक कारक। पहला हमारे पास जो जैविक कारक है नंबर एक पे वो है हमारा कौन सा, जीव जंतु हरे पादप जिनके बारे में हम मेनली स्टडी कर रहे हैं। हरे पादप यानी कि ऐसे पादप जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरे पादप कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पर्ण हरित विहीन पादप, पर्ण हरित विहीन पादप। अभी पर्ण हरित विहीन पादप कौन से होते हैं देखो, पर्ण हरित क्या होता है, पर्ण हरित एक वर्णक होता है, क्या होता है, एक वर्णक होता है जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो किसके लिए जरूरी होता है, जो जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर किसी पौधे में पर्ण हरित या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा तो वो पौधा क्या नहीं कर सकेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकेगा। तो पर्ण हरित युक्त यानी कि हरे पादप और पर्ण हरित विहीन पादप दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, जैविक कारकों के अंदर। उसके बाद है सूक्ष्म जीव, ये भी जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के बाद जो हमारे पास होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, प्राणी। प्राणी प्राणी के अंदर क्या आ गए, एनिमल्स यानी कि सारे के सारे जंतु, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सब। और उसके बाद लास्ट में है हमारे पास प्राणियों के बाद जो चीज बचती है वो है मानव। अब ये प्राणी कौन से हैं देखो, इन प्राणी के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आएंगे, चाहे वो सरीसृप हैं, चाहे एम्फीबियंस हैं, चाहे उभयचर हैं, जो भी हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं जैविक कारकों के अंदर। ठीक है, उसके बाद है अजैविक कारक। अजैविक कारकों में आएंगे सबसे पहले जल जो सभी चीजों का आधार होता है, वायु जो श्वसन में काम आती है, मृदा जो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, स्थलाकृति
कि वो किस प्रकार की स्थला करते हैं, यानी कि पहाड़ों में, मैदानी भाग में या सिंचाई भाग में, कैसे भागों में पाए जा रही है। उसके बाद है स्थलाकृति के बाद सौर ऊर्जा, यानी कि उनको जो सोलर लाइट है या सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, वो हमें किस प्रकार वहां मिल रही है, किस कितनी मिल रही है, कितनी क्वांटिटी में मिल रही है, वो भी चीजें किस पे डिपेंड करती है, जीवों पे डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी सोलर लाइट या सौर ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी। गुरुत्व, अब देखो ग्रेविटी चीजों को भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है, गुरुत्व, ग्रेविटी को बोलते हैं गुरुत्व। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास तापक्रम या तापमान, टेम्परेचर। क्योंकि सभी जो पौधे होते हैं या जो सभी जीव होते हैं, उनके लिए एक निश्चित तापक्रम सेटल होता है, वो उसके अडेप्ट होते हैं, यानी उसके अनुकूल होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बहुत ही जो लो टेम्परेचर में रहते हैं, यानी कि जो हमारे पोलर्स हैं, जो ध्रुवीय एरिया है, वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, अगर उनको हमारे डेजर्ट एरिया में लाके लगा दिया जाए तो क्या वो ग्रोथ वृद्धि करेंगे? नहीं, क्योंकि वो वहाँ के तापक्रम के अनुसार क्या है, अनुकूलित है, अडेप्टेशन है उनके अंदर, वो यहाँ पे आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारे डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, अगर उनको हम जो बर्फीला एरिया या फिर जो पोलर एरिया है उसके अंदर ध्रुवीय प्रदेशों में जाके लगा दिया जाए तो क्या वो वहां ग्रोथ करेंगे? वो भी वहां ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तापक्रम के बाद लास्ट है हमारे पास जिन चीजों पे क्या डिपेंड करता है, जो एनवायरमेंट है डिपेंड करता है, वो है अग्नि, यानी कि फायर। जीवन यापन करने के लिए जो भौतिक कारक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे जैविक कारक और ये हो गए भौतिक कारक। अब देखो ये सारे के सारे जो जैविक भौतिक कारक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये इन पे डिपेंड करते हैं और ये इन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए इन दोनों को किसके अंदर रखा गया है, पर्यावरण के अंदर रखा गया है। यानी कि पर्यावरण किनको मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक या भौतिक घटकों को मिलकर बनता है, और ये सारे आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं, ये सारे मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और पर्यावरण को एक प्रकार से हम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम का नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लाइन है आपकी बुक में दिया हुआ है कि पर्यावरण का समग्रात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, इसको समाकलित दृष्टिकोण भी कहा गया है। अभी समाकलित या समग्रात्मक दृष्टिकोण है क्या, ठीक है, इस वर्ड को हम समाकलित भी बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो फिजिकल या भौतिक जैविक अजैविक घटक जो सारे के सारे हैं, वो किसी ना किसी रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इनमें से कोई भी चीज चेंज करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट किन पे पड़ेगा, इन सभी पे पड़ेगा, ठीक है, या इनकी जो हैबिट्स है कुछ चेंज होती है तो उनका इफेक्ट इन पे पड़ेगा। यानी कि अगर हम चाहें कि हम किसी भी एक घटक को या उसका जो आकार है या कुछ भी है उसमें परिवर्तन कर दें तो उससे क्या दूसरा जो बाकी जो अजैविक या जैविक घटक है क्या वो प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। पर्यावरण का मतलब है कि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भर होती हैं। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो गए, अगर हम इनको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो गए। जैसे कि हमने देखो तापक्रम चेंज कर दिया, ठीक है, तापक्रम चेंज कर दिया तो कम तापमान वाले जो प्लांट्स हैं, अगर हमने ज्यादा तापमान किया तो कम तापमान वाले प्लांट नष्ट हो जाएंगे, और अगर हमने कम तापमान किया तो ज्यादा तापमान वाले प्लांट्स नष्ट हो जाएंगे। यानी कि इनका जो इफेक्ट है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, और अगर वो प्लांट्स नष्ट हो जाएंगे तो फूड नष्ट हो जाएगा, जो इन पे निर्भर जो प्राणी एनिमल्स कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार एक चीज के नष्ट होने से या एक चीज में परिवर्तन होने से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण का समग्रात्मक दृष्टिकोण या समाकलित दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखो जैसे सौर ऊर्जा है या सोलर लाइट है, अगर हम सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं देंगे तो उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना न्यूट्रिशन या फूड नहीं बना पाएंगे, और वो अगर अपना न्यूट्रिशन या फूड नहीं बनाएंगे तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, और पौधे नष्ट हो गए तो उन पे जो सारे के सारे ह्यूमंस और एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी चीज को अगर छेड़खान करते हैं, छेड़छाड़ किसी चीज से करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पर्यावरण का समग्रात्मक दृष्टिकोण। अब देखो उस एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को लेके कुछ लॉ दिए गए हैं, ये लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन लॉ से कोई ना कोई एक लॉ जरूर आता है, ठीक है। अब ये लॉ कौन से हैं देखते हैं, तो हम हमारी हेडिंग डालते हैं पर्यावरणीय कारकों से
पर्यावरणीय कारक है, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पर्यावरणीय कारकों एवं जीवों में पर्यावरणीय कारकों से एवं जीवों से संबंधित नियम। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो है लिबिक का निरंतरता का नियम। लिबिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए क्या बोलते हैं लिबिक का न्यूनतमता का। अभी न्यूनतमता क्या होती है, मिनिमम मात्रा होती है, जो मिनिमम क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं न्यूनतमता। अब लिबिक का न्यूनतमता का नियम यानी कि लॉ ऑफ, क्या बोलेंगे इसे, लॉ ऑफ लिबिक्स या लॉ ऑफ मिनिमम ऑफ लिबिक। ठीक है, अब देखो क्या है, ये लो कहते हैं कि जो पादप होते हैं या प्लांट होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो उनको मिलने वाले खनिजों में, उस खनिज पे निर्भर करती है जो खनिज उनको सबसे कम मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, मान लिया ये हमारे पास कोई प्लांट है, इस प्लांट को हम क्या दे रहे हैं, इस प्लांट को हम दे रहे हैं काफी सारे खनिज। ठीक है, ये हमने इसको दिया प्रोटीन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, ठीक है, फास्फोरस दे दिया, नाइट्रोजन दे दी, कैल्शियम दे दिया। ठीक है, अब देखो ये जो हमने इसको खनिज दिए, ये एग्जांपल है, जैसे कि हमने प्रोटीन दी इसको 100% चाहिए थी और हमने 100% दे दी, कैल्शियम भी हमने 100% दे दिया और फास्फोरस भी हमने इसको क्या दे दिया 100% दे दिया और नाइट्रोजन भी हमने इसको 100% दे दी, यानी इसको जितनी चाहिए थी उतनी दे दी। लेकिन एक जो हमने मिनरल या खनिज था सल्फर हमने क्या किया कि सल्फर इसको चाहिए था 100%, लेकिन दिया हमने कितना, हमने 30% इसको सल्फर दिया है। तो क्या होगा कि अब इसकी जो सारी की सारी ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो सारी की सारी डिपेंड करेगी सिर्फ इसी सल्फर नाम के जो खनिज है इस पे डिपेंड करेगी, या सल्फर नाम के मिनरल पे डिपेंड करेगी। बाकी चाहे इसको आप प्रोटीन आपने 100 दिया, आप 200% दे दो तो भी इसकी वृद्धि पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको कैल्शियम भी 100 की जगह 200-150% जितना दे रहे हो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही नाइट्रोजन से ना ही फॉस्फोरस से। इफेक्ट किससे पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ सल्फर से, क्योंकि आपने सल्फर दिया 30%, इसको चाहिए था 100%। तो जब तक आप इसको 100% सल्फर नहीं दोगे इसकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिबिक का न्यूनतमता का नियम। अब इसको लिख लेते हैं, लिबिक के अनुसार पादप की वृद्धि उसको मिलने वाले खनिजों में से उस खनिज पर निर्भर करेगी जो उसको न्यूनतम मात्रा में मिल रहा है। जब तक उसको जो न्यूनतम मात्रा में हम जो उसको खनिज दे रहे हैं उसकी मात्रा हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक जो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है,
इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम ऑफ लिबिग। ठीक है, यही है लिबिग का, न्यूनतमता का नियम। ठीक है, अब इसकी वृद्धि कब होगी, इसकी वृद्धि तब होगी जब न्यूनतम मात्रा वाले तत्व की मात्रा बढ़ाई जाएगी। न्यूनतम मात्रा वाले तत्व की मात्रा बढ़ाने पर ही उस पादप में वृद्धि संभव हो सकेगी। और इसके अलावा तुम उसको कोई भी मिनरल खनिज एक्स्ट्रा वो कितने मर्जी देते रहो, उसकी वृद्धि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक उसे न्यूनतम मात्रा में मिलने वाला जो खनिज है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट, लिबिग का न्यूनतमता का नियम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो हम देखते हैं, वो है हमारा सीमाकारी कारकों का नियम। सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया, ये दिया था ब्लैकमैन ने। अब क्या है ये सीमाकारी कारकों का नियम देखते हैं। ब्लैकमैन का, ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था ये, इसलिए बोलते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग या लिमिटेड सीमाकारी कारकों पे
सीमाकारी कारकों की मात्रा पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि वो उसे सीमाकारी मात्रक कितना मिल रहा है उस चीज पे ये डिपेंड करेगा, जो उनकी रिएक्शन है या उनका वितरण है। क्योंकि अगर उनमें जो सीमाकारी पदार्थ अगर उनको ज्यादा मिलेगा तो उनमें रिएक्शन ज्यादा होंगी, और रिएक्शन ज्यादा होंगी तो पौधों की संख्या ज्यादा होगी, और पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो जो पौधों का वितरण है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रैगमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। ठीक है, अब इस अभिक्रिया की दर जब तक नहीं बढ़ सकती, जब तक कि क्या होता है, जब तक कि जो सीमाकारी मात्रा में जो पदार्थ है उसकी संख्या या उसकी मात्रा बढ़ानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड लॉ है वो है हमारे पास, ये सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया, थर्ड लॉ है सहनशीलता का नियम। देखो, सहनशीलता तो भाई सब में नहीं होनी चाहिए, आज का जैसा जमाना है ना तो सहनशीलता तो किसी के अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज को जितना सहन करोगे ना वो चीज आपको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए सहनशीलता का नियम हमें जो हमारी बॉटनी है उसके अंदर तो अपनाना है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कभी सहनशील मत बनना, क्योंकि जितने ज्यादा सहनशील बनोगे ना लोग उतना ज्यादा आपको दुख पहुंचाएंगे। ठीक है, अब सहनशीलता का नियम, अब बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपकी सहनशीलता का नियम क्या है देखते हैं। सहनशीलता का नाम दिया किसने था, सहनशीलता का नियम दिया था वो दिया था हमारे शेलफोर्ड ने। यह नियम शेलफोर्ड द्वारा दिया गया। अभी शेलफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया, देखो शेलफोर्ड ने बताया जो ये था लिबिक का जो लॉ था उसके ऑपोजिट था। लिबिक ने तो बताया था कि जो पदार्थ होती है, पदार्थों की ग्रोथ होती है, या जो भी एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उस पदार्थ पे डिपेंड करती है, उस कारक पे डिपेंड करती है जो उनको सबसे कम मात्रा में मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ शेलफोर्ड ने क्या बताया, शेलफोर्ड के अनुसार शेलफोर्ड के अनुसार जो क्या होता है, जो पादप या जो जीव होते हैं, कोई भी जीव होते हैं, उनकी जो क्या होती है, उनकी जो कोई भी कारक अत्यधिक या अति न्यून मात्रा की स्थितियों में शेलफोर्ड के अनुसार कोई भी कारक अधिकतम या अत्यधिक, अत्यधिक यानी कि टू मच, वह अति न्यून यानी कि टू लो, अति न्यून स्थितियों में पादपों की वृद्धि दर वह जनन क्रिया को प्रभावित करता है। जनन क्रिया को प्रभावित करता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सहनशीलता का नियम। यानी कि अब इसको सहनशीलता नाम क्यों दिया वो देखते हैं। देखो, इसका मतलब है कि ये लिबिक के अपोजिट था। लिबिक ने बोला कि जो पदार्थ कम मात्रा में मिल रहा है अगर वो ज्यादा मात्रा में मिले तो पदार्थ की वृद्धि होगी, और शेलफोर्ड जी ने कहा कि पदार्थ दो चीजों पे, जो पादप है उसकी वृद्धि या उसकी जो जनन क्रिया है वो, या उसमें हो रहे जो रिएक्शंस हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक तो उस पदार्थ पे जो उसको अत्यधिक मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, और एक उस पदार्थ पे जो उसको अति न्यून मात्रा में मिल रहा है। यानी कि ना तो कोई भी चीज जो कम मिले तब प्लांट में ग्रोथ होगी, ना कोई चीज ज्यादा मिले तो होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए, हमें 100 ग्राम क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, हमारे 100 ग्राम एनर्जी चाहिए, तो हमें 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिए।
ठीक है। अगर हम ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो भी हमें किसी ना किसी रूप में क्या करेगा, खराब करेगा या नेगेटिव इफेक्ट हमारी सेहत पे डालेगा। और अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो भी उससे हमें पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी हमें चाहिए, तो हमें 100 ग्राम की 100 ग्राम ही चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सहनशीलता का नियम, यानी कि ना तो अत्यधिक मात्रा में हमें, अत्यधिक मात्रा भी हमें खराब करती है और अत्यधिक कम मात्रा यानी अति न्यून मात्रा भी हमें खराब करती है। हमें लिमिटेड जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही चाहिए, ठीक है। अब जो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स अपने आप को सहनशील बना लेते हैं, ये अगर उनको कम मिली तो भी वो चला सकते हैं काम, अगर उनको ज्यादा मिली तो भी वो अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ और बाकी जो जैविक रिएक्शंस है वो होती रहेंगी। तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सहनशील बना लेते हैं तो उनमें ग्रोथ होती है, और अगर नहीं बनाते हैं तो नहीं होती। इसी को बोलते हैं सहनशीलता का नियम। इसमें एक लाइन और लिखते हैं, सीमाकारी कारकों की ऐसी मात्रा जिसमें वृद्धि दर व जनन दर दोनों अधिकतम होती हैं, वो कहलाती है उपयुक्त सीमा, ऑप्टिमम लिमिट। उपयुक्त सीमा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट है, अब वो उसका जो एनवायरनमेंट है यानी कि वो कितने, वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे अच्छे से वृद्धि कर सकता है, ठीक है। 20 डिग्री टेम्परेचर पे अच्छे से वृद्धि कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको 60 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले एरिया में लगा देते हैं तो क्या वहां पे वो ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर हम उसे 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले एरिया में लगा देते हैं तो वहां पे भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसकी सबसे अच्छी ग्रोथ कहाँ होगी, उसकी सबसे अच्छी ग्रोथ होगी 20 डिग्री वाले टेम्परेचर के एरिया में। तो वो 20 डिग्री है उसके लिए, वो क्या है, वो उसके लिए उपयुक्त सीमा है, यानी कि सीमाकारी कारकों की ऐसी मात्रा जिसमें वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं वो क्या कहलाती है, वो उपयुक्त सीमा या ऑप्टिमम लिमिट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और लॉ रह गया, लास्ट लॉ है नंबर 4th। इस लॉ को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के नियम। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ऊष्मा गति की, फिजिक्स का टॉपिक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारे पास जैविक और अजैविक कारक होते हैं, वो कारक होते हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, जो उनमें एनर्जी फ्लो होता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र के विभिन्न जैविक व अजैविक घटकों में होने वाले ऊर्जा प्रवाह को यानी कि एनर्जी फ्लो को यह नियम स्पष्ट करता है कि उनमें जो एनर्जी फ्लो है वो होता कैसे है। देखो ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो हम भी उसी चैप्टर में इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही जानेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो है जो जैविक या अजैविक घटक है उनमें ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आज के लिए थैंक यू सो मच।